Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today I'm going to share a story of a finest violin player jiska naam hai Joshua Bell. Joshua Bell is the most expensive violin player. Uska agar aapne concert sunna hota hai to us concert ko sunne ke liye takriban $300 se $500 tak ki ticket ek ticket खरीदी जा सकती है और फिर आप उसका कॉन्सर्ट सुनने के लिए जा सकते हैं और कहते हैं कि एक वक्त में जो पूरा हॉल होता है 1000 से ज़्यादा लोगों का वो बिल्कुल जैम पैक होता है एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस इट इज़ टू लिसन टू हिज ट्यून्स जो उसके पीसेस होते हैं जो वो वायलिन प्ले करता है और जो उसकी गिग्स होते हैं दे लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अमेजिंग मिराक्युलस और बहुत ही सूदिंग और एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है जब आप जोशुआ बेल के उस वायलिन प्लेयर की वो ट्यून सुनते हैं. वॉशिंगटन पोस्ट ने ये फैसला किया कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा और वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि उन्होंने ये फैसला किया कि जोशुआ बेल को एक सबवे में जो अंडरग्राउंड जहाँ पे ट्रेन्स वगैरह होती हैं वहाँ पर उसे खड़ा कर देगा एक आम नॉर्मल इंसान की तरह. तो उन्होंने किया कुछ इस तरह से कि एक आम जीन्स पहनाकर एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सी टी शर्ट और एक कैप पहनाकर उसका जो वॉयलिन है वो 40 करोड़ की मालियत है उसकी और 4 मिलियन पाउंड्स का वो वायलिन है जो उसके हाथ में होता है जो वो बजाता है. बहरहाल उसको ऑर्डिनरी सी शक्ल देकर उन्होंने वहाँ पर खड़ा कर दिया और वहाँ पर खड़ा करने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी के जो बेस्ट पीसेस थे कहते हैं कि जो परफॉर्मेंसेस उसने वहाँ पर सबवे में खड़े होकर दी वो उस तरह की परफॉर्मेंस उसने कभी उस तरह के उस हॉल्स में भी नहीं दी जहाँ की एक टिकट $300 से $500 की होती थी. मास्टरपीसेस बजाए और वहाँ से वॉशिंगटन पोस्ट ने जब वो एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड किया तो तकरीबन वहाँ से उस सबवे से गुजरने वाले लोगों की तादाद जो थी वो तकरीबन 1100 तकरीबन लोग जो हैं वो उस सबवे में से गुजरे. नाउ वुड यू लाइक टू नो हाउ मेनी पीपल स्टूड देयर एंड लिसन टू जोशुआ बेल्स दोज अमेजिंग वॉयलिन ट्यून्स. यू विल बी अमेज्ड टू नो तकरीबन 1100 लोगों ने उस बेस्ट वॉयलिन प्लेयर जो था जो उस सबवे में मौजूद था उसको पास किया मगर सुना कितने लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7 लोग रुके उस शख्स को सुनने के लिए उसके वॉयलिन को सुनने के लिए कि जिसकी टिकट्स नहीं मिलती हाउस फुल होता है और लोग $300 से $500 की टिकट्स खरीद के उसका कॉन्सर्ट सुनते हैं. उसको उस सबवे में सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 लोग रुके एंड यू नो हाउ मच ही अर्न्ड इन दैट 1 आवर. जैसा कि मैंने 2-3 दफ़ा मेंशन किया है कि 300 की टिकट से लेकर $500 तक की टिकट जो है उसकी वो एक टिकट बिकती थी और उस दिन वहाँ पर जितने लोग गुजरे जो पैसे इकट्ठे हुए दैट वॉज ओनली एंड ओनली $32. दैट्स इट. कहाँ एक टिकट $300 का $500 का और कहाँ उस एक घंटे में जो उसने कमाई की वो $32. वॉशिंगटन पोस्ट ने जब रिसर्च की और सारा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये कहा ये बात वाज़े की कि वो वक्त जब हमने जोशुआ बेल को वहाँ पर खड़ा किया था वो शाम का वक्त था. वो वक्त था जब लोग अफरा तफरी में जल्दी जल्दी अपने घरों को वापस जा रहे थे. कुछ लोग अपने बच्चों को ले रहे थे कुछ अपने कामों में मसरूफ थे जल्द अज जल्द जा रहे थे. इस वजह से किसी ने भी वो जो मास्टरपीसेस थे कि जिसको सुनने के लिए लोग तरसते थे किसी ने ना रिकग्नाइज़ किया ना पहचाना और ना वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो लोग करने के लिए बेशुमार पैसे देते थे उसको एक्सपीरियंस किया. एंड द रीज़न वॉज
everyone was in a hurry. Don't you think hum apni zindagiyon mein bhi is qadar fast pace ho chuke hain, itni jaldi mein apni zindagi guzar rahe hain, itni afra tafri hai hamare ird gird, ye bhi karna hai, wo bhi karna hai, ye bhi dekhna hai, wo bhi, itna kuch hai hamare paas karne ke liye, itni jaldi mein hai hum एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, कि वो जो ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो करने का हमें मौका ही नहीं मिलता। वो जो ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे इर्द गिर्द प्ले हो रही हैं, जिसमें हमारे इर्द गिर्द चहचहाते हुए परिंदे हैं, वो खूबसूरत सी हवा है, वो भीनी भीनी खुशबू है जो हम महसूस ही नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह से ये भी तमाम चीज़ें जो अल्लाह की बनाई हुई हैं, ये प्राइसलेस हैं, दैट वी डू नॉट चेरिश, दैट वी डू नॉट रेलिश, दैट वी डू नॉट इन्जॉय, दैट वी डू नॉट एक्सपीरियंस। सो वॉट इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू डू, हमें अपनी जिंदगी में रुकना है, हमें अपनी जिंदगी में कुछ लम्हात के लिए पॉज का बटन दबाना है, हमें कम से कम एक घंटे के बाद एक मिनट के लिए सुकून लेना है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, एक्सपीरियंस दैट। जब हम अपनी जिंदगी में इर्द गिर्द चीज़ों को जो ऑलरेडी हमारे पास हैं उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारी जिंदगियां खूबसूरत होंगी। हम अपनी ज़िंदगी में करते ये हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हम कहते हैं बस जल्दी 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 पढ़ के, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के हम अच्छे मार्क्स ले लें, अगली क्लास में हम चले जाएं, प्रमोट हो जाएं। फिर जब अगली क्लास में प्रमोट हो के हम अपने स्कूल से निकलते हैं तो हमारी कोशिश होती है अच्छे कॉलेज में जाएं। फिर जब अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी तालीम हासिल करने के बाद अच्छी जॉब मिल जाती है तो उस पर खुश होने की बजाय या उसको इंजॉय करने की बजाय अब हमारी कोशिश होती है कि हमें प्रमोशन मिल जाए। फिर जब हमें प्रमोशन मिल जाती है तो हमारी कोशिश होती है कि अब तो वी आर ऑल सेटल्ड, अब अगर अच्छा कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाए। फिर जब आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल जाता है फिर आपकी कोशिश होती है कोई एक दो बच्चे हो जाएं, फिर उनकी चीज़ें और फिर उनके मामलात। सो इट इज़ सच अ विशियस सर्कल, इट्स सच अ जर्नी कि जो हमें खुश नहीं होने देता और हम अपनी खुशी को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। हम कहते हैं अब हमें ये मिल जाए तो हम खुश होंगे, अब हमें ये मिल जाए तो हम खुश होंगे, और हमें खुशी नहीं मिल पाती। इसलिए हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें उसको पूरा, उसको एक्सपीरियंस करें, उसको इंजॉय करें। इसीलिए हम जब आज नमाज के लिए बैठते हैं तो हम नमाज पढ़ते हैं, कायम नहीं करते, जिसका तज़किरा कुरान में है। हम सिर्फ और सिर्फ जाए नमाज पे खड़े होते हैं, अपने रब के साथ कनेक्ट नहीं करते। कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम चार्जर लगा देते हैं मगर बटन ऑन नहीं करते। इसी तरह से सिर्फ जाए नमाज तक आना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही कमिंग एक मिसाल है, ज़ाहिर दुनियावी मिसाल मैंने आपको दी है, जिस तरह से जोशुआ बेल जो वन ऑफ द फाइनेस्ट वायलिन प्लेयर्स हैं उसको लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए बिकॉज अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं था। इतनी अफरा तफरी, इतनी जल्दी, इतना सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा था। इसी तरह से जब रब से कनेक्ट करें, जब भी कोई काम करें तो उसको फुली एक्सपीरियंस करें, इन्जॉय करें, एंड देन यू विल चेरिश योर लाइफ। इट्स अबाउट टाइम फॉर अस टू टेक अ पॉज एंड इन्जॉय आर lives and enjoy ourselves and thank Allah for all what He has blessed us with. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.